से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास हैं, और इतना ही नहीं दिल्ली तक पहुंच है हमारी, क्या समझे? बिजनेस के लिए किसी लीडर के पास जाकर भीख मांगने की जरूरत ना आए हमें। छोटे, जंग लड़ने के लिए जाबाजी चाहिए होती है, लेकिन बिजनेस करने के लिए धीरज और समझदारी की जरूरत पड़ती है। साहब माफ करना, अभी गाड़ी हटाता हूँ। अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। अभी हटाता हूँ साहब। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए। ये बोल रहा था गुस्से पर काबू करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। तुम कमल ठाकुर के दरबार में आए हो, टेंशन छोड़ो, ऐश करो। एक्सक्यूज मी, ठाकुर है क्या? ठाकुर साहब घर पर है? बैठिए। इन सभी को देख रहे हो, ये कमल ठाकुर के भाई है। राडिया है, राडिया इंडस्ट्रीज, राडिया एक्सपोर्ट्स, राडिया। ए, पानी पिला रहे। चंदन की लाल लकड़ी के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे सारे ट्रक आपके गांव होकर बॉर्डर पार जाते हैं। अगर आप कहें तो हम आपको 40% शेयर देंगे, यानी के बैठे बिठाए करोड़ों की कमाई। वेस्ट मत कर। मैंने कुछ कम बोला क्या? महंगाई बढ़ गई है, ज्यादा रस्सी वेस्ट मत कर। ठीक है भाई, क्या भाव से लिया? आप किस चीज की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच दच के जो आया है। अच्छा सोना, ये तो मेरा शौक है। दरअसल बात परमिट की है, और आप मेरे परमिट हो। आपका एक इशारा और कोई भी उन्हें चेक पोस्ट पर एक भी सवाल जवाब नहीं करेगा। पर काम साइलेंटली होना चाहिए। मैं आपको 50 करोड़ दूंगा। इतना पैसा देगा तुम? अरे सुन बबलू। जी भाई। अपने चंदन खाते में कितना पैसा है बता रहे इस बबलू को? हाँ भाई, मैं आपसे करोड़ों की सौदे की बात कर रहा हूँ, और आप है कि बैल और रस्सी की बात कर रहे हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो जाके जुलाब की गोली ले ले। चंदन के पेड़ काट कर तू उसकी स्मगलिंग करना चाहता है। मुझे हजम नहीं हुआ। गरीब किसान को बेरहमी से मारकर तुम्हारे ट्रक उनकी खेती उजाड़ दे, ये मुझे हजम नहीं। ये लंगूर मुझे घूर रहा है, ये आया साला मुझे हजम नहीं। ये इंसानियत का दरबार है, तेरे जैसे हैवानों का नहीं। इसलिए तेरा ऑफर मुझे हजम नहीं हुआ। 12 राज्यों में मेरा यही कारोबार धधेले से चल रहा है। हर गांव में मुझे एक ठाकुर मिल ही जाता है। तुम्हें अगर खटक रहा है, मैं किसी और ठाकुर को ढूंढ लूंगा। ठाकुर तो तुझे बहुत मिल जाएंगे, पर कमल ठाकुर एक ही है। भैया ने जिस काम के लिए मना कर दिया, वो काम कोई भी नहीं कर सकता। ए ठाकुर, आज भी थारे पास कट्टा और लाठियों के अलावा कुछ ना है, और मारे पास मशीन गन और मिसाइल है। अगर एक मिसाइल दाग दी ना,
तो गांव उड़ जावे। गुस्सा हो या हथियार, समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसे माफ कर दो प्लीज ठाकुर, वो मेरा छोटा भाई है। तो बड़ा कर उसे, संस्कार डाल उसमें, यहां दोबारा आए तो गाड़ दूंगा दोनों को। छोटू, खून की बू आ रही है लेकिन कोई मरा नहीं है। एक बात भेजे में नहीं घुस रही है, आते समय गाड़ियां चीते की स्पीड में आई थी और जाते समय कछुए की स्पीड में जा रही है, कुछ लोचा तो जरूर है। अगर कोई घमंडी सांड साक्षात देवता को सिंह मारने की कोशिश करेगा तो उसका वध होना पक्का है। तुम्हारा भी तो यही हाल हुआ था। कमल, ये जाती है, अन्याय है। से आया मेरा दोस्त। अरे जाके जरा देख तो सही, ये नए दोस्त है कौन? काहे को? अबे दुश्मन का दुश्मन, अपना तो दोस्त ही भवाना। तुम चाहे दोस्तों की फौज खड़ी कर दो, उसका कुछ नहीं कर पाओगे, वो देवता की तरह है। आपको कोई लेडीज ढूंढ रही है साहब? क्या लेडी, पत्थर भर के फेस का ग्रेस ऐसा बिगाड़ूंगा कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। मैं कमल ठाकुर की फैमिली से हूँ, लेडीज का केस नहीं लेता। केस एक आदमी के खिलाफ है। अच्छा, और क्या? शुरू हो जाओ। एक आदमी मेरे प्यार में पागल है। अच्छा? और पिछले 10 सालों से मेरे साथ रहता है, पर बेवफा शादी करने से मना करता है। ओहो, तो तुम्हारे साथ कुछ ही कु करके भाग गया। वही तो नहीं हुआ, उस ढीले से कुछ होता ही नहीं है। केस तो मेरे केस जैसा लगता है। तुम्हारा ही केस है। तुम यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो और मुझे ये बात बताओ, शादी करोगे या जहर पी के मरोगे? क्या कर रही हो, सबके सामने अपनी लव स्टोरी ओपन मत करो। आगे चलकर शादी होगी तो कर लेंगे ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मेरे भैया कैसे, ना लड़कियों को देखते हैं ना दूसरों को देखने देते हैं, जिंदगी खत्म हो गई। घर में जाए तुम्हारा भाई, या तो तुम जाके अपने भाई से बात करो वरना तुम्हारी नस काट के तुम्हारे खून से हमारी लव स्टोरी छपवा दूंगी। अरे शांत हो जा मेरी अनारकली, ये लव स्टोरी छापने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसा के रहूंगा, भैया से जाकर अभी बात करता हूँ और मामला सेट कर देता हूँ। भैया छोटे, मैंने हरा मसाला और खड़ा मसाला डालकर इसे बनाया है, ले चेक जरा। भैया गरम है, तीखा भी है। कितना ठंडा है, जल्दी जल गया। ए तू हाथ दे। क्या बकवास ऐसे करेला करिए क्या? तड़का डाले रे, नमक तो सही है ना, चख जरा। मैं एकदम मस्त है। भैया के साथ इसका केस भी गया। काला कोट, तेरे उस नए केस का क्या हुआ? कौन सा केस, नाम सुनते साला भाग गया। लगता है मार्केट में मेरा चरित्र बहुत ही पवित्र है, इसीलिए आज तक मेरे पे कोई केस नहीं है। ये पवित्र चरित्र की वजह से नहीं है, डर है, और इसी डर की वजह से मेरी जिंदगी की बैंड बज गई है। क्या कहा था, शादी करने से जिंदगी नरक बन जाती है, भाइयों में फूट पड़ जाती है। अगर ऐसी बात है ना तो ये भाई आज विद्रोह करेगा, क्योंकि ये दिल का बहुत ही भोला है, इसका नाड़ा बहुत ही ढीला है। भैया ये है मेरी जानेमन, इसके लिए मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर भी कर सकता हूँ। आ जाओ, हो जाए तो दो हाथ। कुंडली खोल। भैया इतनी जल्दी मान गए?
भैया ये करीना है। भैया हनुमान के फोटो के बजाय इसका क्यों? मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी के घर नारी, ब्रह्मचारी के घर नारी, ब्रह्मचारी के घर नारी। एक औरत के घर में आने से घर में उजाला हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी टेक्निकलर हो जाएगी। अच्छा क्यों भैया? खुले में समझाता हूँ। क्यों नहीं, खुले में जरूरी है क्या? सामने वाले घर में क्या प्रोग्राम चलता है? भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर महीने कई सारी लड़कियाँ यहाँ रहती हैं और कथक भरतनाट्यम जैसे नृत्य करती हैं। और फिर हम क्या करते हैं? हम किसी ना किसी तरह तमाशा करके उन्हें एक हफ्ते में यहाँ से भगा देते हैं। करेक्ट। सामने के घर पे लड़की आने से हमें इतनी एलर्जी है, तो जरा सोच कि इस घर में किसी नारी का गृह प्रवेश होगा तो कितना क्लेश होगा। और तू दूल्हा बनेगा? हमारे घर में लड़की का नाम लेता दिया। भैया इसका खून करके इसके खून से सारे घर को रंग दूंगा। यहाँ टाइम पास चल रहा है क्या? कोई अपने भाई को ऐसे मारता है? नहीं नहीं, चार लोग मिलकर इसे पांच मिनट में खत्म नहीं कर सकते? क्या कहा, पांच मिनट? तो क्या रुको तो प्लीज। मुबारक हो भाइयों, तुम सब टेस्ट में पास हो गए। टेस्ट मतलब? सावन के महीने में सभी कुवारों का रोम रोम खड़ा हो जाता है, दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं हुआ। कमल ठाकुर का परिवार कभी नहीं बदलेगा और ना ही किसी को बदलने देगा। ये हुई मर्दों वाली बात। भैया को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए तुम अकेले भागो और मैं भी अकेले भागता हूँ, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें अकेले भागने दूंगी? तुम्हारे साथ इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि पिछले 10 सालों से तुम मेरे गले पड़े हुए हो। सॉरी बच्चा। एक हफ्ते बाद मिलने आओगी ना, वरना मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। आज शाम को आ जाओ ना। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ओए ओए। तो फिर इतनी किस दो कि पूरा हफ्ता आराम से निकल जाए। किसी ने देख लिया तो? हमें यहाँ कौन देख सकता है? ये मैंने क्या देख लिया? ये तो मेरा भाई है। अबे ओए, ए वो लड़का कहाँ गया? कौन लड़का? झूठी कहीं की। अभी बताता हूँ, पकड़ के लाता हूँ उसे। ए लिंगा रुक, बता दूंगा। अरे सुन ना यार, ए लिंगा, भैया कहाँ है? भैया कहाँ है पूछ रहा हूँ तो बता। अबे जा यहाँ से, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लिंगा मेरे भाई, मेरी बात तो सुन ना। भैया कहाँ है? नहीं पता भैया कहाँ है। कहाँ है लिंगा? जो तूने देखा वो सच नहीं है यार। एक उल्टा हाथ का देता हूँ तुझे। बस में जो लड़की थी वो सच नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूँ ये सच नहीं है क्या? या मेरा भाई चारा जमा कर रहा है वो सच नहीं है? चारा घोटाला? जो हम देखते हैं हमेशा सच नहीं होता। ए शिवा, यहाँ पर क्या चल रहा था? मैं तो इसे घास डाल रहा था। ओ प्रियंका नमस्ते। हम सब की कहानी एक जैसी। अभी मेरी दीपिका। वाह भाई वाह, एक बस की टिकट काट रहा है। वाह। सुनो जी, डरा दिया। ये करीना है और ये मेरी काटती है जेब। शालू तुम इतने दिनों से भैया को धोखा दे रहे हो, उन्हें अगर पता लग गया तो क्या होगा? अरे तो क्या होगा, डांटेंगे मारेंगे, इन्हें घर से निकाल देंगे तो हम भी उनसे दूर चले जाएंगे। अब ये सोचो कि करना क्या है। भैया का टिकट कटवा देते हैं। ये क्या कर रहे हो? मतलब प्यार का टिकट कटवा देते हैं, भैया को लव में डालते हैं। कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सुना है कि प्यार में तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है, भैया के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब जरूर कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है। मतलब शांत हो जाओ, कुछ ना कुछ हुआ होगा, उन्हें किसी बात का सदमा लगा होगा। ये तो सिर्फ एक आदमी बता सकता है, अपने चाय वाले यादव चाचा जो भैया को बचपन से जानते हैं। हाँ, तुम्हारा भाई जब छोटा था तो एक लड़की को पसंद करता था। हर सोमवार को वो लड़की शिव मंदिर में गाना गाने आती थी। वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे कितना भी जरूरी काम कर रहा हो, उस लड़की को देखने मंदिर में जरूर आ जाता था। फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वो कभी कभी मेरी दुकान पर चाय पीने आते थे। फिर क्या हुआ मैं नहीं जानता, अचानक उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। ए छोटू, टाइम हो गया है, ठाकुर साहब को चाय दिया। ठीक है चाचा। हर आधे घंटे में चाय क्यों भेजते हो? कुछ देना है तो शादी करने की सलाह दो ना। आपकी चाय पी पी कर भैया ठीक से खाना नहीं खाते हैं। ए, इस चाय के बारे में कुछ मत बोलना। बेचारा मेरी दुकान पर जी तोड़ मेहनत किया करता था। जब दोपहर को उसे खाना खाने देता तो वो खाता नहीं था, बल्कि अपने साथ पोटली में बांध कर ले जाता था। मैं उससे पूछता कि खाया क्यों नहीं, तो कहता था कि मुझे चार भाइयों का पेट भरना है। मैं उससे पूछता फिर तू क्या खाएगा, तो कहता चाय पी के पेट भर लूंगा चाचा।
भैया चाय। स्कूल गया था? हाँ भैया। पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ। वेरी गुड। भैया ने हमारे लिए कितनी सारी कुर्बानियां दी हैं। तुम लोग उनका टाका बढ़ाना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए। हे, हम बस भैया की जिंदगी में एक अच्छी लड़की लाना चाहते हैं ताकि उन्हें हर खुशी मिल सके। शुरू शुरू में हमारा इसमें स्वार्थ था, पर अब बस उन्हें खुश देखना है। चाय वाले चाचा के हिसाब से भैया कस्तूरी को पसंद करते थे, जो बहुत अच्छा गाती थी। उसकी तो शादी हो गई होगी, तो वैसे ही क्लासिकल लड़की ढूंढ के भैया की बेसुरी जिंदगी में सुरों की पिचकारी भर देते हैं। मेरी फ्रेंड क्लासिकल डांसर है, उसका नाम महालक्ष्मी है। भैया से उसकी सेटिंग करा दो। ठीक है, कल सुबह उसे मंदिर ले आना, उसे सारी कहानी समझाएंगे। अरे तू कहाँ जा रहे हो? अरे रुक तो। आवा आवा, हमार गांव तो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, पर हालत इतनी पतली है कि मैं चाय भी नहीं पूछ सकता है। पैर जल जाएगा। ठाकुर साहब ने इसकी जिंदगी की जो बैंड बजाई है, उसके आगे पैरों का जलना तो कुछ भी नहीं है। इसकी कहानी सुनोगे तो हिल जाओगे। ये अन्याय है जमींदार साहब, मैंने आपसे 1,00,000 रुपए लिए थे और अभी तक 10 गुना ब्याज दे चुका हूँ, और अभी भी आप मूल रकम वसूलने की बात कर रहे हैं। नहीं रे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम खेती करो तो न्याय, और मैं पैसे मांगू तो अन्याय है। तुम्हें लगता है तुमने मेहनत से अनाज उगाया, और मैंने जो तुम्हें कर्जा दिया उसका क्या? अरे मैंने पैसे दिया और तुमने बीज खरीदा, उसी बीज को मिट्टी में ऐसे 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 बोया, भगवान की दया से आसमान से बारिश गिरी और नीचे मिट्टी से फसल उग के बाहर आ गई। इसमें तुम्हारी मेहनत किधर है? फसल काट कर बेचने में कौन सी बड़ी मेहनत है। हाँ, लेकिन बीच का एक रास्ता निकल सकता है। अपनी बेटी को सिर्फ 1 रात के लिए मेरी रानी बना दे। कभी ने कही के मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दीजिए उन्हें, पैसे दे देंगे, उन्हें छोड़ दीजिए। जो भी हो, साली को देख के मुंह में पानी आ गया था। अन्याय की ये कहानी ठाकुर साहब के कानों तक पहुंच गई। अन्याय है ठाकुर, तुम धंधा करो तो ठीक और मैं करूं तो अत्याचार। मेरा धंधा ईमानदारी का है और तेरा बेईमानी का। इसने मुझसे कर्जा लिया था, वापस मांगना बेईमानी है क्या? किसान खेत जोत कर अपना खून पसीना एक करता है, तब जाके हमारी थाली में खाना आता है। तू उनका कर्जदार है। इस देश का किसान बनना गर्व की बात है। क्या कहा था? बारिश जमीन पर गिरती है और फसल अपने आप उग जाती है, मान लेते हैं। कान खोल के सुन, मेरी तेरी इसकी उसकी गांव के हर किसान की खेती तेरी होगी। शर्त यह है, खेत तू जोतेगा और वो भी अकेला। जिस जमीन पर फसल उगेगी वो तेरी, अगर नहीं उगी तो कुछ नहीं मिलेगा। ठाकुर, इतनी बड़ी खेती मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा? ये अन्याय है। अन्याय शब्द अपने शब्द कोश में नहीं है। इसकी अपनी जमीन तो गई, जो हड़पी थी वो भी चली गई। अब देखो ये छोटा सा खेत बचा है इसके पास। गुजर बसर के लिए बहुत है। हम जब अपना फ्लैशबैक सुन रहे थे तो जरा भी तकलीफ नहीं हुआ हमको, बल्कि हंसी आई। उस ठाकुर का नाम सुनते ही हमारे पैरों में जलन होता है, और हमने कसम ली है कि जब तक बदला ना ले ले हम अपने पैरों को जलाते रहेंगे। वाह, शाबाश, तुम्हारी नफरत का मैं बदला लूंगा। हमार कमीनापन और तुहार ताकत अगर एक हो जाए तो उसे नर्क जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें भुट्टा भरने से पहले हम उसका भरता बना देंगे। चलो भैया आ तो गए हैं, अब बस वो उस क्लासिकल डांसर को देख ले तो भैया 1 से 2 in 1 हो जाएंगे। We'll be right back.
लगता है भैया का टाका धीरे धीरे भिड़ रहा है। शिवा, सॉरी, मेरी फ्रेंड आने में थोड़ा सा लेट हो गई। लेट हो गई? भैया किसके सुर में मगन होते जा रहे हैं? मैं जाके पता करता हूँ। हाँ, तुम लोग मेरे साथ चलो। भाभी इस डांस ग्रुप में? हाँ यार, मतलब हमारे पड़ोस में रहेंगी। ये घर ही सारी मुसीबत की जड़ है। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ भाई, ऐसा मत करो। कर रहे हो बात सुनो, ये नाचने वाली है कहाँ से रहने आ गई? क्या हो गया, माहौल खराब कर रही है? सुनो तो, हमारी भाभी भी इनके साथ ही रुकी है। हाँ हाँ, कौन सी भाभी बे? भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई समझाओ इसे, चलो। किसी ब्योड़े श्रोतागण की नजर ना लगे। ये माँ के लाडलो। हाँ भैया। लड़की अने खतरे की घंटी, बचते ही फ्यूज ऑफ कर दे। ओहो। अगर अपना किसी से पंगा हो तो क्या करते हैं? कोलापुरी घुसा के मैटर खत्म करते हैं, या फिर कोपचे में ले जाकर दो चार घुसे मारकर समझाते हैं। शान पत्ती फिर भी कम ना हो तो पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। जो भी हो, मेहनत का काम है भाई, है ना? पर लड़कियां मेहनत करने में नहीं मानती। क्या? एक सीक्रेट सुन। लड़की सर पे चढ़ाती है फिर पैरों में गिराती है, कानिच खत्म। कोई पॉइजन पी लेता है, कोई खुद को चाकू मार लेता है, कोई साला बिल्डिंग पर से कूदकर अपनी जान दे देता है। हम किसी को मारे तो हम गुंडे मवाली, अगर लड़की के प्यार में मरा तो मिल जाएगा उसे दूसरा कवारा। भेजे में नहीं घुसा, घुसेगा भी नहीं। लड़की को समझना गणित समझने के बराबर है। भैया आपने भी धोखा खाया है क्या? बताओ ना भैया क्या हुआ था? सीने में जलन है, अंदर से कुछ चुभ रहा है। अजय। हाँ भैया। कौन सी चीज के फटने से सब कुछ जल जाता है? फटने से? बॉम्ब के फटने से। कौन सा वाले? मेरा छोटा भाई हमेशा छोटा ही रहेगा। ए लॉयर भाई तू बोलना। अब न्यूक्लियर बम फटे या एटम बम, तुम्हारा भाई है ना, और तुम्हारे सीने की जलन दूर करके रहेगा। या मेरे सीने में जलन हो रही है और वहाँ वो ढोल बजा रहे हैं। ए सुना जाए, जा अंदर से अपना माल लेके आ। ठीक है भैया। सबका बाप है। ये हुई ना बात। लड़कियां हीरोगिरी पे फ्लैट होती हैं। हीरोगिरी? भैया तो हीरोगिरी की खान है। भैया का फाइटिंग स्टाइल देख के
कोई भी लड़की इम्प्रेस हो जाएगी? इम्प्रेस का तो पता नहीं, भाग जरूर जाएगी। हाँ, उसे झगड़ा पसंद नहीं। एग्जाम में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सवाल पूछा गया तो उसने वो 50 मार्क का सवाल ही छोड़ दिया। ये प्लान काम नहीं करेगा, हमें कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। अकेले में सोचें क्या? ये लड़की कौन है? शांति की दोस्त है। सच बोल। मेरी गर्लफ्रेंड है। भैया को पता चल गया तो क्या होगा? तूने तो बहुत तेज गाड़ी भगा दी। अरे मेरी गाड़ी को छोड़ो, भैया की गाड़ी को सेल्फ मारो। सही बोल रहा है। शांति, एक मिनट, यहाँ आना। मैंने तुझे बताया था ना? ओ अच्छा, वही है। नमस्ते। नमस्ते। ये नटराज की मूर्ति हमारे बड़े भैया ने बनवाई है। इनके आशीर्वाद के बिना क्लासिकल डांस सीखना नामुमकिन है। वो तुम्हारे पास नटराज की बड़ी मूर्ति है, छोटी वाली नहीं है, इसलिए भैया ने ये भेज दी। अच्छी है ना? उस दिन मंदिर में आपके सामने नटराज की मूर्ति नहीं थी, ये देखकर हमारे भैया को बहुत दुख हुआ। क्या उन्हें क्लासिकल डांस बहुत पसंद है? हाँ तो, एक बार तो उन्होंने पूरा एक घंटा बिना घुंघरू पहने दम मारो दम डांस किया था। मैंने तो कोई और गाना सुना था, झूम शराबी झूम। वो गाना कोई भी हो, डांस क्लासिकल ही करते हैं। ठीक है, लाओ दो। नहीं नहीं, ये तो नरसिम्हा स्वामी है ना? वैसे इन्हें भी डांस पसंद है। बहुत सुंदर है। भैया ने सोचा पूरी कलेक्शन होनी चाहिए। ऑल ब्रांड्स। ऑल गॉड्स। ऑल गॉड्स। ऑल गॉड्स। आया भैया। ये क्या कर रहे हैं? योगा। रात की उतर ही नहीं रही है। हैंगओवर उतारने के लिए पटियाला पैक बना। ठीक है, अभी लाए। अरे ये क्या है? योगा के बीच में पूरा ग्लास घटक गया। हनी वाटर होगा। बहुत स्मार्ट हो। बचपन से। रामा, कटने पे क्या निकलेगा इसमें? एकदम कवला है। ये बकरी से क्या बात कर रहा है? इसका मटन अंगारा वाना। जी भाई। ठाकुर साहब, इसे काटो, बहुत परेशान करता है। आज तू भी कटेगा। ये कुकड़ू को भी जानता है। आप सोचो सोचो, खुद सोचो। समझ गई, ये पशु प्रेमी है। पशु प्रेमी। साले तेरे लेग पीस में मैं चीज लगा के खाऊंगा, साथ में चटनी भी। क्लासिकल डांस, योगा, जानवरों से प्रेम, ये तो कलयुग का राम है। जो जानवरों की इतनी देखभाल करता है, सोचो वो अपनी बीवी का कितना ख्याल रखेगा। ओ भैया। हे नादान मुर्गे, वो तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा है और तुम कूद कर यहाँ पर आ गए। जरा सुनिए मूर्ति के लिए थैंक्स। मैंने सुना है आपके पास बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन है। हाँ हाँ, वो मेरे अपने पास तो खंबे का कलेक्शन है। सुनिए, अपना मुर्गा लेकर जाइए। लाइए, हम पकड़ते हैं। सुनिए, अब जब भी मैं डांस करूंगी आपकी मूर्ति के सामने ही करूंगी। ये किस मूर्ति की बात कर रही थी? साहब, तो मुर्गे को काटा जाए। लड़की का हाथ लगने से मुर्गा अपवित्र हो गया। सुने से अच्छे से शैम्पू करना, फिर काट के पकाना। ठीक है साहब। भैया जैसे मैचोमैन का दिल पिघलाने के लिए हमें कुछ रोमांटिक करना होगा। पर वो कैसे होगा, यही तो प्रॉब्लम है। सूखी घास के पीछे गुटुरगु करने से नहीं होगा, कुछ बढ़िया प्लान बनाना होगा। तुम लोग भी कुछ बोलो ना। अवंती हर फ्राइडे को पूजा करती है और पूजा के लिए फूल तोड़ने आंगन में आती है। यही सही मौका है, कल ही तो फ्राइडे है। हमेशा की तरह शांति फूल तोड़ने हमारे घर के पास आएगी। फूल बहुत ऊपर होंगे, वो मदद के लिए यहाँ वहाँ देखेगी। और लोग भैया आ गए। क्या हुआ? भैया गए। सच में? अभी तो कह रहे थे भैया आ गए। अरे वो तो मैं प्लान बता रहा था। ए आदि मानव, नीचे आ। खुद तो आइडिया देते नहीं, दूसरों का भी खराब कर देते। आ जाओ, मेरी करीना खा ले। तू भी ना। अब प्लान सुनो, भैया की एंट्री होगी। Thank you.
बहुत पुराना आइडिया है। प्यार भी तो पुराना रोग है। फूलों के लिए वो तुम्हारे घर क्यों आएगी? उसके घर में फूल हैं। ऐसी बात है तो अब नहीं रहेंगे। सुनिए, ये फूल तोड़ने हैं, मेरी हेल्प कीजिए ना। अजय बबलू, अरे मजले, उनकी जरूरत नहीं है, फूल तो आप भी तोड़ सकते हैं। भैया ना, समेट लो। भगवान को नीचे गिरे हुए फूल नहीं चढ़ाते। मैं तो कहता हूँ इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। सुन, उसे बता दे कि तू मेरा आदमी है, तुरंत वो तुझे छोड़ देगा। अरे, बचाओ! कोई है? बचाओ! देख क्या रहे हो? कोई है? नीचे उतर, मैं गिर जाऊंगी। हिल क्यों गया? क्या हुआ? वो यहाँ फूल तोड़ने आई थी। आप क्या कर रहे थे? मैं बस हेल्पिंग हैंड कर रहा था। नीचे गिरे हुए फूल भगवान को नहीं चढ़ा सकती, इसलिए मैंने डाली नीचे खींची। सही किया भैया। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोलूं वही सच है, गलत भी हो सकता है। जो चीज गलत है वो सही है, जो सही है वो गलत है। समझ गया भैया। जो समझा मुझे समझा, जो देखा वो सच। तो मेरी टांग खींचता है। तोहार भाई को जब उसने मारा तब तोहार खून खोला नहीं? उसके भाइयों में उसकी जान अटकी हुई है। हाँ, उसके भाइयों को खत्म कर दो, वो ससरा जीते जी मर जाएगा और हमार काम आसान हो जाएगी। साले के चार भाइयों को चार दिशा में जाके फेंक दो, अपना लाइन क्लियर। उसका छोटा भाई हर रविवार बाजार को जाता है, इस रविवार को भी जाएगा। मार डालो। जानते हो उसकी लाश कैसे दिखनी चाहिए? खून से सना खंजर गले के आर पार होना चाहिए और उंगलियां तो टूटी होनी चाहिए, नाखून ऐसे उखड़े हुए होने चाहिए और दोनों हाथ। बस, बहुत हो गया। बहुत नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो, ये अपना काम है, दोस्ती हो या दुश्मनी, ब्याज के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभालूंगा। जाओ तुम। और सुनो, इस बात की उन लोगों को खबर ना पड़े तो अच्छा है। ठाकुर साहब आएंगे ना? आएंगे बेटा। ठाकुर साहब सुनिए। सुनिए, ये आज सुबह से आपके घर के बाहर आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं और आप इतने ज्यादा घमंडी हैं कि आपने इन्हें देखा तक नहीं। किसान हमारे लिए अन्न उगाता है और आप इनका अपमान कर रहे हैं।
अमीरों को गरीबों का अपमान करना शोभा नहीं देता। दो पैसे कमाकर अगर अमीर बन गए तो गरीबों को कुछ नहीं समझेंगे। अरे बेटी सुनो, ये चुप है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी इज्जत करते हैं, वरना इन्हें भी आप जैसे स्वार्थी अमीरजादों को जवाब देना आता है। क्या कह रही है? अगर आज हमारा परिवार जिंदा है तो सिर्फ ठाकुर साहब की वजह से। ठाकुर साहब, भलाई करके भूल जाना तो कोई आपसे सीखे। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया लेकिन ये जिद पे अड़ गई कि ठाकुर साहब से मिलना ही है, आज इसका जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी जल्दी शादी, पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करो। क्या पलटी मारी है। चलते हैं साहब। ठीक है। अब जरा सुनिए। सॉरी। दोस्त बढ़ाने का समय हो गया है। प्लान क्या है? हम में से किसी को भैया के भेजे में इस लड़की को घुसाना होगा। ए, तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो बे? भैया वकील आपको कुछ बताना चाहते हैं। बता। क्या है? वो क्या है ना भैया, पड़ोस में रहने वाली वो क्लासिकल डांसर, वो आपको चाहने लगी है। क्या बोला? साले क्या बोला, भैया के सामने लड़की और लव की बात करता है। रुको, छोड़ दो उसे। बकवास क्यों कर रहा है? ये बकवास नहीं है भैया, ये तो सच है। जिस दिन से उसने आपको देखा आप पर लट्टू है, और उस दिन फूल तोड़ते वक्त जब आप उसके पास मतलब वो आपके पास आई थी ना, तब से चाहत बढ़ गई है। उसने मुझे गलती से छुआ था। गलती हो या ना हो, छूना तो छूना होता है ना। और बस प्यार हो गया? सिर्फ इतना नहीं भैया, उसने तुम्हें गरीब किसानों की मदद करते सुना तो उसका रोम रोम मोम की तरह पिघल गया। जब अमीर आदमी गरीब की मदद करे तो ये उसका फर्ज है, कोई एहसान तो नहीं? लगता है उसने कुछ ज्यादा ही सपने सजा लिए। उससे जाकर कह दो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनसे कहा पर वो बोले दिले की मानता ही नहीं, बस इतना जानता है शादी करनी है तो सिर्फ तुमसे। शादी दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं है। मैंने यही कहा भैया। वो क्या बोली? ये गलत है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? गलत क्या सही क्या मैं अच्छे से जानता हूँ। समझ गया, उसे मैं अपनी स्टाइल में समझाऊंगा। उसकी चिकनी बातों में मैं नहीं आने वाली। चलो क्या करें। मेरे भाइयों ने बताया? हाँ मैंने भी बताया। तुम बहुत जिद्दी हो। अरे मैं एक लड़की हूँ, जिद्दी होना मेरा हक है। तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, मैंने बहुत पहले डिसाइड किया था। मतलब जब से तुमने मुझे देखा? देखो जो भी हुआ वो गलत हुआ। अरे धत्तू। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेड़ के नीचे जब उस दिन वो देखो सब तुम्हारी गलती है। 100% तुम्हारी गलती। अगर उस दिन वो फूल वाला हादसा ही नहीं हुआ होता तो तुम ये महसूस ही नहीं करती। तुम मेरे बारे में जानती क्या हो? तुम भी कहाँ जानती हो मेरे बारे में। अगर मेरे बारे में जानती तो मेरे भाइयों के सामने ऐसी बातें ना करती। खुलने वाली फेंक इसे। अरे बाप रे। क्या हुआ भैया? तू कहाँ से टपका? कहीं से नहीं। तो ये बात तय रही, हम इस बारे में आगे से कोई बात नहीं करने वाले, ये बात इधर ही खत्म। हाँ कितना अकड़ू है ये। इतने सारे दिए किसने जलाए? ये सब पड़ोसियों ने भैया। दीदी मैं ये मूर्ति ले रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, इसे हाथ नहीं लगाते, हम इसकी पूजा करेंगे। आज के दिन भगवान राम अपने घर आए थे, राक्षस रावण को मार कर उन्होंने असत्य पर सत्य की जीत प्राप्त की थी और सीता मैया को रावण से बचाया, इसीलिए हम दिवाली मनाते हैं। कमल ठाकुर, पूजा उनके नाम से। ऐसा क्यों? बचपन में जब सबने हमें छोड़ दिया, भाई ने हमें पाला पोसा और बड़ा किया। क्या तुम सब अनाथ हो? अनाथ कैसे, कमल भैया का हाथ जो सर पे है।
सीख रहे हैं भैया? ये डांस सीख रहे हैं कि सिखा रहे हैं? हेलो, हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। से उसके भाई आएंगे तो हम हमला करेंगे। हाँ। हमारी जीत पक्की। हेलो पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। आप हमेशा मुझे बताते थे ना कि एक अच्छे इंसान में क्या क्या खूबियाँ होती हैं। यहाँ मेरी एक ऐसे ही इंसान से मुलाकात हुई है। ओह। मुझे वो बहुत पसंद है पापा, मैं उससे अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। बता दूं ना पापा? तू पहली लड़की होगी जो अपने बाप की इजाजत से अपने प्यार का इजहार करना चाहती है। उसे घर ले आ बेटा, मैं बात करूंगा। थैंक्स पापा। क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो हल्के होकर। क्या बात है? कुछ पर्सनल बात करनी है, बस 5 मिनट। जरूरी काम से जा रहा हूँ, आके बात करता हूँ। कोई बात नहीं, आने के बाद करते हैं। ठीक है, चलना। अनिल, ये बाराती कौन है रे? और इतना टाइम क्यों लगा? स्पीड ज्यादा होती तो बेचारे पीछे छूट जाते। ठीक है, जल्दी इनका गेम ओवर कर दे। भैया, आपको लगता नहीं कि ये थोड़े ज्यादा लोग हैं? इरादे मजबूत हो तो तादाद से क्या फर्क पड़ता है? इनसे दो दो हाथ क्यों नहीं करते? दिखाओ अपना पुराना जलवा। रहने दो। ठाकुर साहब को लड़ते हुए नहीं देखा, बोलो ना एक बार जलवा दिखाएं। ठाकुर, लोग जलवा देखना चाहते हैं तो दिखा क्यों नहीं देते? देखते हैं ठाकुर में कितना दम है। आजा, दिखा दो ठाकुर, ईंट का जवाब पत्थर से दो। हाथ में खुजली तो हो रही है, मिटानी तो पड़ेगी चाचा।
करनी है, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। भैया ठाकुर साहब को चोट लग गई। हमारे आदमियों की राह देख रहे थे, उन्होंने पहले से ही फील्डिंग की हुई थी, इसका मतलब उनको हमारा प्लान पता था। तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि हमारा प्लान कामयाब होगा कि नहीं, इसलिए इससे राय मांगी थी। तुमने इस गधे को बताया? वो दिखता है उतना गधा है नहीं, उसकी राय हमेशा सही निकलती है। इलेक्शन में कौन हारेगा और कौन जीतेगा यही आदमी तो बताता है सबको। हाँ तूने किसी को बताया तो नहीं? जैसे तुमने मेरी राय ली वैसे ही मैंने भी किसी की राय ली। वो अपना बिरजू है ना, उससे पूछा था। अब उसने किससे पूछा का पता। चुंदर, इसमें दूसरे को पूछने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अकल नहीं है का? अपनी बहन की शादी के लिए उस बिरजू ने किसी की राय नहीं ली तो चिंदी चोर जमाई में जाए। बिरजू देखो मेरी बात सुनो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। उसका 2 नंबर का भाई हर सोमवार को बाल काटने के लिए जाता है, इस हफ्ते भी जाएगा। इस हफ्ते बाल नहीं, उसकी गर्दन काट देना। खून से सना खंजर गले के आर पार होना चाहिए और उंगलियां पूरी कटी कटी होनी चाहिए और नाखून ऐसे। साले जानवर कहीं के, मैंने तुझ जैसे जाहिल से हाथ ही क्यों मिलाया? जिस दिन तुझे देखा था उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि तू निकम्मा है, सिर्फ घटिया बातें करता है। साला भिखारी कहीं का। क्या कर रहे हो? हमारे भुट्टे को छुट्टा मत करो। मैंने तुझ पर भरोसा किया क्योंकि मेरा दिमाग खराब था। हट, तूने मेरा वक्त बर्बाद किया। ठाकुर को अब मैं मौत दूंगा, भयानक मौत दूंगा। हमार फसल का नस्ल बर्बाद हो गया। तो इसको फसल बोलता है? फसल नहीं तो क्या बोलू लंगोर। वाट 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 लगा दिया। ठाकुर साहब को चोट लग गई। ठाकुर साहब को चोट लग गई। भैया मिनिस्टर से मेरी बात हो गई है, उसने कहा कि बिना टेंडर के ही वो हमें काम दे देंगे। चुप, बकवास बंद कर। वो लड़की इस गांव में नहीं रहेगी, निकालो उसे यहां से अभी के अभी। आज के बाद मुझे फिर से दिखाई दी तो खून कर दूंगा, बोल दे उसे। नहीं चाहिए। भैया थोड़ा सूप लीजिए। नहीं चाहिए। महेश इधर ला। हाँ। वो गई कि नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूं। अबे खाना बाद में ठोस, पहले मेरी बात का जवाब दे।
पहले बताओ अकेले में उसके साथ क्या गुटरगो कर रहे थे? तब पता चलेगा ट्रैफिक वन वे है कि टू वे। क्या बोला? जरा जोर से बोल। जब सुनाई नहीं तो क्यों भड़क रहे हो? वैसे बता दो ये सारा किया तरह इन लोगों का ही है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। कहाँ पर हो? मैं तो इस वक्त गांव से काफी दूर आ गया हूँ। सुनो, मेरे घर से होते हुए जाना। क्या कहा? मैंने कहा मेरे घर से होते हुए जाना। अच्छा ठीक है भाई। बस को घर के सामने क्यों रोका? अब भाई वो पीछे वाले रास्ते पर मैंने देखा एक पेड़ गिर गया था, इसलिए मुझे बस यहीं पर रोकनी पड़ी। अब क्या करोगे? बस अभी मैं इसे रिपेयर करने ले जाऊंगा। ठीक है, जाओ। हाँ हाँ। तुम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, लेकिन मुझे कुछ कहना है। पता नहीं कैसे शुरू करूं। वो आजकल लड़के लड़कियों को नहीं भेजते वो पिंक कलर का हार्ट शेप? मुझे भी भेजना था, मेरे फोन में मिला नहीं। वकील के फोन में है, लेकिन उस कमीने का हार्ट मैं तुम्हें क्यों? मैं 1,00,000 की जनता को अकेला भाषण देता हूं, लेकिन तुम्हारे सामने मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूं। अपनी फीलिंग को जाहिर करने के लिए अगर मैं गिफ्ट दूं तो लोगी? हमारी गाय है मंगा, मैं तुम्हें वो गिफ्ट तो कर दूं, पर तुम घर कैसे ले जाओगी? भाभी को गाय गिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, मेरे दादा का कोल्हापुरी चाकू है, वो चलेगा? देखो, मैंने तुम्हें दो चॉइस दिए, तुम एक रख सकती हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बहुत ज्यादा। लव हो गया तुमसे। मेरे कुंवारे रहने की जिद की वजह से ये भी सिंगल से डबल नहीं हो पाए, इनके लिए भी लड़कियां ढूंढनी पड़ेंगी। ए, जाओ तुम लोग। बाय भाभी। चल तू पहले बोल। अरे बोलना, ट्रेन जा रही है। कुछ बोलना है? क्या बोलना है? वो यहाँ ना। क्या हुआ? भैया ये मेरी करीना है, मेरे जिगर का टुकड़ा। नमस्ते जेठ जी। अरे वकील, ये फाइल कब खोली? बहुत पुराना केस है, 10 साल से। हटो ना, आओ ना, आओ ना। भैया प्रियंका। हेलो शिवा, नमस्ते करो। नमस्ते। ओ भैया, ये मेरी वाली दीपिका। ये तुम सबकी है? भैया मेरी गर्लफ्रेंड करिश्मा। ये तो मेरी दोस्त करिश्मा है। हाय। भैया क्या हुआ? वो आपके बैग में बोतल रखी है, पता नहीं वहाँ मिलती है कि नहीं। ठीक है भैया, अच्छा काम किया। बाय भैया। बाय। बेटी, तुम भूपति साहब की बेटी हो ना? जी हाँ अंकल। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे, हम तो खून खराबे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी वजह से अब सुकून से जी रहे हैं। वो इंसान नहीं भगवान है। आपके पिता ने ही मेरे बेटे की नौकरी लगवाई। हम चलते हैं बेटी। नमस्ते। नमस्ते साहब। पिताजी के बारे में कुछ बताओ। जो सबके चेहरों पर मुस्कान देखना चाहते हैं। जज के तौर पर जब उनका गांव में ट्रांसफर हुआ था ना, तब उस गांव में रात दिन बस झगड़े लड़ाइयाँ खून खराबा होता। रुक जाओ! इस तरह अपनी समस्याओं का हल निकालोगे? आपस में खून खराबा करके आज जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे बच्चे आगे चलकर करेंगे। धीरे धीरे वहाँ झगड़े फसाद कम होने लगे। पापा ने जैसे तैसे फंड्स जमा करके सरकारी जमीन पर एक स्कूल बनवाया, पर वहाँ के एक गुंडे की नजर उस जमीन पर थी। बोर्ड लगाने से जमीन तुम्हारी हो जाएगी। मेरे भाई से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। ए, रुक जाओ। पिताजी ये लोग स्कूल पर कब्जा करना चाहते हैं। चलो रे। स्कूल की वजह से मेरे पापा ने पहली बार अपना आपा खो दिया। आखिर ये सब क्या चल रहा है? बेटा, इस देश को हमने अहिंसा सहन शक्ति के बल पर आजाद करवाया था,
तो फिर ये स्कूल क्या है? लड़े बिना कुछ नहीं होगा, इन सब का भी यही कहना है। भैया ने हिंसा को अपना हथियार बनाने का फैसला किया। जोश में इस तरह होश खोया कि वो लौट कर ही नहीं आए। पापा ने उनकी लाश को देखने तक से इनकार कर दिया। सुनिए जी, हमारा बेटा, मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसने हिंसा का रास्ता चुना। किसको मारोगे, किसका खून करोगे? एक माँ अपने जवान बेटे की मौत का मातम मना रही है। तुम चाहे किसी का भी खून करो, उसकी भी एक ऐसी माँ और आंसू बहाने वाला एक परिवार होगा। अरे मारना ही है तो अपने अंदर के क्रोध को मारो, इंसानों को मत मारो। प्रण लो कि आज के बाद इस मिट्टी पर किसी के प्राण नहीं लिए जाएंगे, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। जानते हो तुम्हें पसंद करने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? तुम भी मेरे पापा जैसे ही रहमदिल और नेक इरादों वाले इंसान हो। और तुम्हें भी खून खराबा पसंद नहीं है। तुम दोनों शांति प्रिय हो। उठो, उठ जाओ। सफर कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास, खटमल मार रहा हूँ। भैया क्या हुआ? भैया ए जीप घुमा।
आंसू मत बहाओ, ये मेरा रोज का काम है, डरो मत। मुझे इससे डर नहीं लग रहा, मैं सच कहूँ तो तुमसे लग रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सुना और जो भी देखा, क्या वो सब झूठ था? अच्छा बनने का नाटक क्यों किया तुमने? क्यों मुझे अपने जाल में फंसाया, बोलो। मैंने तुम्हें अपने जाल में बिल्कुल नहीं फंसाया शांति। अगर मेरे आंखों के सामने अत्याचार होगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जब भी कोई कमजोर पे अन्याय करेगा तो मैं उस पर वार करूंगा। अगर जुल्म करने का नहीं तो सहने का भी नहीं। दुश्मनों के तादाद की मैं गिनती नहीं रखता और आने वाली मौत की मैं परवाह नहीं करता। सुनो, मुझे लगा था तुम मेरे बारे में सब जानती हो। मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देता हूं, हालात चाहे जैसे भी हो शांति, तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। देखो तुम मुझे, अब मुझे तुम्हारा सच पता चला है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। शांति मेरी बात तो, बेटा आ जाओ। पिताजी चलते हैं। भैया आ गए। भैया वो राड़िया हमें कहीं नहीं मिला, नरसिम्हा हमारे हाथ लग गया है। तुम लोगों के गांव में और गांव के बाहर हजारों दुश्मन हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कितने बार के तुम्हारे भाई बाहर। ये मशीन कैसे बंद हो गई? मैंने की। आप पर जरूर इसी ने हमला करवाया है। इसी की वजह से भाभी छोड़कर गई है? वो मेरी वजह से गई है, इसकी वजह से नहीं। जाने दो इसे। तुझे सच में लगता है कि ये टुच्चा किसी का खून कर सकता है? ए, इतनी बेइज्जती मत कर। मरा हुआ हाथी भी 1,25,000 की कीमत में बिकता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है। हाँ, ये छोटा हमला मैंने नहीं करवाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर सकता हूँ। करूंगा, इससे बड़ा हमला करूंगा, ये शक्ल याद रखना। A, B, C, D, E, F। तुम सबने अपनी गर्लफ्रेंड्स को सच्चाई बता दी? हमारे घर में अगर कोई लड़की आएगी तो वो पहले भाभी होगी। वो कैसे आएगी और मेरे पास आएगी भी क्यों? उसके लिए हथियार उठाना पाप है। जब ऐसे गुंडे मुझ पर हथियार उठाएंगे तो मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। अन्याय होते कैसे देखूं? सही कह रहे हैं आप। इतने सालों से देख रहे हैं आपको, भाभी के आने के बाद आप में बदलाव देखा है, चेहरे पर खुशी देखी है। आप अपनी और घर की खुशी चाहते हैं तो भाभी को घर ले आइए। जब तूफान आता है ना भैया, तो सीधे पेड़ उखड़ जाते हैं, थोड़ा झुक जाइए। अच्छा, तू चाहता है मैं उसके घर जाकर चुपचाप खड़ा रहकर भीख मांगू? मैं झुकूं जाके उसके सामने? मैं झुकूं? ठाकुर हूं मैं, कभी नहीं झुकूंगा। आओ बैठो, चलो। भाइयों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, कभी नहीं। आसमान में प्लेन कहीं रुकता नहीं, मैं कहीं झुकता नहीं, क्या कहती हो? जवाब दो ना। चली गई। हाँ, चली गई। ए, मैं कब से बात कर रहा हूं तुमसे, 5 मिनट नहीं रुक सकती? मैंने जो कहा सुना? नहीं सुना। ए, अपना काम कर, चल। तू निकल ले, दाल निकलेगी। तू किसक, चल। धुलाई करते वक्त इतना सोचना नहीं पड़ता जितना पटाने में। मैं कह रहा था कि एक तो इसका कटीला बदन, ऊपर से 2 तीखे नयन, कैसे इनमें उतरूं? काफी सारे लोग हैं जो उंगली उठाते हैं लेकिन मुझे परवाह नहीं,
लेकिन तुम्हारी बात ही कुछ और है। तुम्हारे लिए खुद को बदलने का मन करता है। तुम्हारे लिए मैं लड़ना बंद कर दूंगा। मैं तुम्हें बहुत ही पसंद। 5 मिनट हो गए। अरे देखो तुम्हारी घड़ी बंद होगी। तेरी बंद होगी। अबे साइज के हिसाब से बोला कर। दीदी। नाटक नखरे ना करे तो लड़की का है की प्यार में थोड़ा झुकना पड़ता है बॉस। ये भगवान के मंदिर में इतनी देर लगा रही है, कहीं मुझे मांगने तो नहीं गई? मैं 100 कदम आगे बढ़ा, वो 1 कदम नहीं बढ़ सकती। धूप में खड़े खड़े मेरे पैर में दर्द हो रहा है, उसे कोई परवाह नहीं। साहब इस गरीब लाचार की कुछ मदद कर दो साहब। वो काम जल्दी ही हो जाएगा। हाँ साहब रख लो, भगवान भला करे। बेटा गांव में नए आए हो? हाँ क्यों? वो आदमी विकलांग नहीं है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। ए मम्मी बचाओ। खुश क्यों हो रहे हो? खुशी इस बात की है कि वो अपंग नहीं है। अगर हमारे देश के अमीर लोग गरीबों की थोड़ी मदद कर दे तो हमारे हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा। वो पैसे ले गया कोई बात नहीं, पर मेरी दुआ है कि वो सुधर जाए। यहाँ किसी के लिए रुके हो? हाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। कौन है वो? है कोई। लगता है बहुत दूर से आए हो। मेरे घर चलकर जलपान कर लो। शुक्रिया लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, चलता हूँ। सुनो मुझे तो मेरे घर छोड़ सकते हो ना, मेरी उम्र की तो इज्जत करो। जैसे तुमने उसकी मदद की वैसे मेरी भी कर दो। क्या इस गांव के सभी लोग जिद्दी हैं? क्या हुआ बेटा इतने गुस्से में क्यों? कोई बात नहीं सुनता तो गुस्सा आता है। किसने नहीं सुनी तुम्हारी बात? है कोई, आप जान के क्या करोगे? इसकी भैंस तो गई पानी में। ये क्या किया तुमने? काट डालूंगा तेरी भैंस की टांग। मेरी नहीं तेरी भैंस की टांग। मेरी भैंस को बॉनेट मारा, तेरे को छोड़ दूंगा। बेचारे ने क्या बिगाड़ा तुम्हें? उससे पुराना हिसाब चुकता करना था। लगता है इस गांव में हर एक से तुम्हारा 36 का आंकड़ा है। हाँ बस बस यहीं रोक दो। धन्यवाद। सर। हाँ ओ मैं तो भूल ही गया, तुम्हें रास्ता बताना था। तुम यहाँ से बस सीधे जाओ, नेशनल हाईवे पे पहुंच जाओगे। हाईवे? क्या हुआ बेटा कुछ चाहिए क्या? वो आपने खाने की बात की थी इसलिए। लेकिन तुमने तो मना किया था। ड्रॉप करने को भी मना किया था, किया ना। आओ आओ इसी अंदर कमरे में। बेटा शांति। पापा ये हमारे मेहमान हैं, गांव में पहली बार आए हैं, मंदिर में मुलाकात हुई थी, आज ये हमारे साथ ही खाना खाएंगे, तो जरा तैयारी करो बेटा। नाना जी। आओ मिला बेटा, स्कूल से जल्दी आ गया। हाँ नाना जी। पापा सुनिए। हाँ बेटा। मुझे कुछ बात करनी है। खाने के बाद भी बात हो सकती है ना बेटा, बहुत भूख लगी है। इन्हें हाथ मुंह धुलाने के लिए बाहर आंगन में ले जाओ। ये कौन है? तुम्हारा होने वाला जमाई है। ये वही है ना? मैं मिलकर आती हूँ। अभी नहीं, लगता है उन दोनों में कोई छोटी मोटी अनबन हुई है। क्या? उन्हें सुलझाने दो, तब तक ऐसे पेश आना जैसे तुम कुछ नहीं जानती। दोबारा यहाँ क्यों आए? मैं नहीं आया, तुम्हारे फादर मुझे तुम्हारी मदर से मिलाने लाए। तू जैसी मुझे पागल बनाया वैसे ही पापा को भी बनाया होगा। ऑलरेडी पागल लोगों को मैं पागल नहीं बनाता, मैं खुद को बदल रहा हूँ। तुम बदलो ना बदलो मैं नहीं बदलने वाली। शांति से खाना खाओ और यहाँ से फूटो। जब तक ना हो जाऊं तेरा यहीं डालूंगा मैं डेरा। सुनो शांति। हाँ? तुम उस लड़के को पहचानती हो? आपको कैसे पता चला? उसके यहाँ आने से तुम खुश नहीं हो ना? पर वो यहाँ सेटल होना चाहता है। फ्री में तो अपने बाप को भी मैं सेटल होने ना दूं। मैं नासा से हूँ, उसका पासा पलट दूंगा। पर ये बात किसी को मत। नहीं बताऊंगा। हाँ ये गुरु है, शीला का बड़ा भाई, अमेरिका में नासा में काम करता था पर अब यहीं सेटल हो गया है। ये थोड़े शर्मीले मिजाज के हैं, अच्छे से खिलाना, घी ज्यादा से ज्यादा डालना। बस बस, बस। मन करता है सब खा जाऊं लेकिन फिर नींद आ जाएगी तो सोना यहीं पड़ेगा।
अंकल आज घर मत जाओ, यहीं रुक जाओ ना। नहीं बेटा, अंकल को बहुत काम है, मेहनत की खाओ और यहाँ से खिसक जाओ। क्या है कि फ्री की खाने से चर्बी चढ़ जाती है। जिम जाता हूँ। खा खा। बादल गरजा क्या? लगता है जबरदस्त बारिश होगी। अच्छा है मैं यही हूँ, रेनकोट छतरी भी नहीं लाया हूँ। बालक, अगले 3 महीनों तक बारिश का नामो निशान तक नहीं आएगा। नासा से हूँ, झूठी आशा मत दे। फिर से बादल गरजा? पेट की बेचैनी है बालक। आप तो आज तक से भी तेज हो। नासा से हूँ। यहाँ क्यों आए हो? भैया वो अगर भाभी अभी नाराज हैं तो हम उन्हें मनाने आए हैं। घर के अंदर एक शाना है जो बीच बीच में बहुत उंगली कर रहा है। कौन है भैया? गेम बजा दूंगा साले का। अच्छा, प्यार में झुकने तो नहीं कहा था ना, अब वापस भाईगिरी पे उतर आया जी। ये लोग कौन है बेटा? ये मेरा भाई है और ये मेरे दोस्त है। नमस्कार। बसा नहीं और चले आए भिकमंगे चंदा वहाँ है। जानू का त्योहार। ये कौन सा नया त्योहार है? रेणुका देवी का त्योहार। रेणुका देवी का त्योहार। वो तो बुधवार को है ना। बुधवार को है क्या सर? यहाँ गांव में होटल तो होगा ना? अरे बहुत है ना, धर्मशाला से लेके 9 स्टार का होटल है। गुरु सॉरी, 9 का नहीं, 11 स्टार का है। और तुम जैसे फुकटियों को तेल के साथ शैम्पू भी फ्री दे देंगे। ओहो, तब तक आप लोग हमारे घर में रह सकते हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं जो इन जैसे भीखमंगों को दाना पानी दे। आप आइए। ओके सर। ये भाई साहब को बहुत गुस्सा आता है, सर पे बर्फ रखा करो। मैं पानी दे रही हूँ ना। फूल बहुत नाजुक होते हैं, गुस्से से डालोगे तो मुरझा जाएंगे। थोड़ा मुस्कुरा कर पानी डालो ना, तो खुशी खुशी खिल उठेंगे। तुम्हें बहुत खुशी मिल रही है तो तुम ही डाल लो। ओए, मैं यहाँ अपने ससुर को इम्प्रेस करने नहीं आया हूँ, ना ही जताने आया हूँ कि मैं बदल गया हूँ। देखो ना मुझ में कितना परिवर्तन है। मुझे तो कुछ भी नहीं देखा। आंखों में इतना गुस्सा है, दिखेगा कैसे? थोड़ा सा मुस्कुराओ फिर देखो कैसे दिखता है। सुनो मेरी जान, जब तुम जाओ जाओ कहती हो, मुझे आओ आओ सुनाई देता है। मैं क्या करूं? तो ठीक है, हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं पर रहो, ठीक है? चलेगा। ए? आज नहीं हो पाया। क्या बोला बे? बुढ़ा हुआ अकेला नहीं रहता है। तो कहना क्या चाहता है अच्छे से बता। उसके आगे पीछे चोरों की फौज लगी है। फौज को हटा और बड्ढे को खत्म कर। ये लीजिए। ला, मुझे दे। आलिया का टॉनिक। मीठी होगी तो पीऊंगी। मुझे दीजिए, मैं खोलता हूँ। लाइए। वाओ अंकल। बिहड़ा नंबर 1। शांति शांति, ये फुकटिया तुझे कहाँ से मिला? क्या बात है मामा? ये एक नंबर का ब्योड़ा है। टॉनिक की बोतल ऐसे खोली जैसे ब्योड़े लोग खोलते हैं। सोच ले, खाने की जगह चखना बनाना पड़ेगा। इस ब्योड़े को अभी दफा कर। क्या बात है भैया। ये अब तुम मेरा शॉट देखो भैया। जाओ ना भैया। सबके सामने बोलने में शर्म आ रही थी। क्या तुम शराब भी पीते हो? इम्पोर्टेड। मतलब तुम एक नंबर के बेवड़े हो। ये पूछने यहाँ बुलाया था? हाँ, मैं कभी कभी पीता हूँ। वैसे एक साल में कितने दिन पीते होगे? एक साल में कितने दिन होते हैं? पूरे 365 दिन। उतना ही?
ऐसा वैसा देसी माल नहीं पीता, एक नंबर का ब्रांडेड माल पीता हूँ। और योगा? चीची, चीप ब्रांड्स को मैं हाथ तक नहीं लगाता। दारू का ब्रांड नहीं है, योगा आसन की बात कर रही हूँ। ओहो, योगा आसन। मैंने टीवी पे देखा था परसों, ऐसे मोटा टकला कर रहा था, बहुत हंसी आ रही थी। सिगरेट भी जरूर पीते होगे? सिगरेट एक बार मैंने ट्राई की थी पर जमी नहीं। क्या ये सच है कि तुम जानवरों और पक्षियों से बात करते हो? पक्षियों और जानवरों से बातें भी होती हैं? ये कैसे होती है जरा बताओ मुझे। आओ। क्या तुम्हें क्लासिकल डांस देखना पसंद है? वो जो ऐसे ऐसे होता है। क्लासिकल डांस पसंद है या नहीं? नहीं। तो मैंने जो भी सुना, जो भी देखा, वो सब झूठ था। वैसे ये सब तुमसे किसने कहा? तुम्हारे प्यारे प्यारे भाई। मेरे भाइयों ने? सब कुछ झूठ था। उस दिन बस सीधा आके तुम्हारे घर के सामने रुकी, वो तुम्हारा ही प्लान था ना? और मैंने सोचा किस्मत ने हमें मिलाया है। तुम्हारी किस्मत में शायद मैं लिखा हूँ। सॉरी। तुम्हारी मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं, ये बात अपने दिमाग में डाल लो तुम। क्या चल रहा है भैया? अगर मैं फुल बोतल घटक के इसके सर पर फोड़ूं तो वॉयलेंस कहलाएगा? अरे नहीं तो। अगर मैं तुम लोगों को धूं तो? अरे उससे तो भाईचारा कहेंगे। पक्का ना? सब भाइयों को कहो गेट टुगेदर है। ठीक है, मैं सभी को बुलाता हूँ। कड़क नहीं है क्या? भैया भैया, ये लो सब आ गए। भाभी और आप? आप दोनों अकेले में क्या खिचड़ी पका रहे थे, हमें भी तो बताइए भैया। भैया हम जानने को बेताब हैं। उसने कहा वो मेरी हर अदा पर टोटल फिदा है। और पूछ रही थी कब शादी करोगे। क्या बात है? उसे लगता है मैं योगा गुरु हूँ, जानवरों और पक्षियों से मैं बात कर सकता हूँ। क्लासिकल डांस पर मुझे भांगड़ा करना अच्छा लगता है। देखा ना? काश वो बंदा मुझे मिल जाए जिसने मेरी तारीफ की है, तो मैं उसे गले लगा लूं। तो फिर आओ गले लग जाओ भैया, ये सब आपके लिए आपके छोटे भाई ने किया है। ये सब तूने किया? ये सब मैंने किया, मैंने तो आपके तारीफों के पुल बांध दिए थे। पता है अपने रात का नशा उतारने के लिए जब आप हाथ ऊपर करके हैंगओवर भगा रहे थे, मैंने उससे कहा कि आप योगा कर रहे हैं। जब आप बकरे और मुर्गे को पकाने वाले थे तो मैंने उससे कहा कि आप पशु पक्षियों से प्यार करते हो। ये तो कुछ नहीं, क्लासिकल डांस में भी मैंने कहा आप नटराज से भी एक लेवल ऊपर हो, इतनी मेहनत की थी मैंने। ए, चुप रहो, ये सब तुमने अकेले कहा था? हाँ, वैसे इन्होंने कहा तो था लेकिन हमारी मदद से। हाँ। तो इस महान काम में तुम सबका भी योगदान है। क्या बकवास है, ये सारे आइडिया तो मेरे ही थे। लेकिन भाभी के बारे में मैंने बताया था, पर मूर्ति देने का आइडिया तो मेरा था जिसकी वजह से बात आगे बढ़ी। चुप बैठ, फूल तोड़ने वाला आइडिया मेन था और वो आइडिया मेरा था, तभी तो भैया और भाभी दूर से पास आ गए और दोनों का टाका भिड़ गया। ओए लंबू, तेरा कुछ योगदान नहीं है? कौन, ये अजय, ये तो चाहता ही नहीं था कि भैया का घर बसे, लेकिन हमने इसे बेवकूफ बना के सारे फूल तोड़वा दिए। सही बोल रहा। कोई पूछे अकल बढ़िया भैंस तो मैं कहूँगा हमारा अजय चल हट रे, अगर सबने इतना आइडिया दिया तो मैंने इतना आइडिया दिया, पता है। तो इस पर तो तेरा ही हक बनता है। सुन अजय, दरवाजा बंद करके म्यूजिक फुल पे लगा दे भाई। हो जाए, डांस करेंगे, जश्न मनाएंगे। भैया एक और बात। आपने सुबह सुबह एक पिक चढ़ाया था ना, तो मैंने कहा वो शहद और गरम पानी है और भाभी मान भी गई। लंबी लंबी फेंकना कोई मुझसे सीखे। झूठ बोला, मेरा कैरेक्टर गलत बताया, गलत बताया, शहद और पानी। चला मुर्गा बन, जल्दी कर, जल्दी बन, मुर्गा बन। तूने क्या बोला था मैं जानवर और पशुओं से बातें कर सकता हूँ? झूठ बोला क्यों? झूठ क्यों बोला? क्यों बोला झूठ? ए तू बाजवाट, खामखा लग जाएगी तेरे को। ए तू आ गया, चल। तुम्हारे झूठ की वजह से वो चली गई। क्या कह रहे हो? झूठ कितना भी जोर से कहो एक दिन सामने आ ही जाता है। अच्छा, अगर सब कुछ नहीं सीखा तो वो हाथ से गई। तो इसमें क्या? योगा सीखना आसान नहीं है, टीचर रख लेंगे। क्लासिकल डांस कौन तेरा बाप सिखाएगा? क्लासिकल डांस क्या होता है पता भी है? चल इधर आ, रस्सी दे, रस्सी दे, रस्सी दे। पंडित बिरजू महाराज दे। बोला ना भैया। क्यों बे? मेरे बारे में झूठ बोला? झूठ बोला, झूठ बोला उसने। माफ कर दो, बोलता शर्म नहीं आई। भैया मत मारो, इनकी और धुलाई करनी है। वॉल्यूम बढ़ा, आज के लिए इतना काफी है ना।
क्यों बे? लफड़ा झगड़ा मत करो, गांधी जी को याद करो। बाप के सामने बापू को याद करता है? धोखे बाज कहीं के, मेरी सेटिंग बिगाड़ती। चलो जल्दी क्लासिकल डांस करके दिखाओ मुझे, जल्दी करो। अंदर क्या चल रहा है? शायद दरवाजे पे कोई है। बोलो नहीं तो तोड़ दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? दिख नहीं रहा है, डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन सा डांस? क्लासिकल डांस। ये और क्लासिकल? अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, वार्म अप होने के बाद ग्रुप डांस होगा। तुम भी आना। हाँ, ऐसी ट्रेनिंग रही तो हम अवार्ड जरूर जीतेंगे। आओ ठुमका लगाओ। आओ ना, मजा आएगा। अब सिर्फ तू बचा है। चुपचाप पेपर पे साइन कर दिया तो तेरा परिवार जिंदा रहेगा और सारे गांव वाले भी। आया समझ में? ये सब क्या हो रहा है? एक गुंडे ने गांव के स्कूल पर कब्जा किया हुआ है बेटा। इन्होंने सालों की मेहनत और लगन से उस स्कूल बनवाया। उस स्कूल को बचाते बचाते मेरा इकलौता बेटा मुझसे छिन गया, इसीलिए परेशान है। जज होने के बावजूद पल्ली दादा के नकली पेपर्स के आगे ये कोर्ट में केस हार गए। ए बुढ़ाओ, तू अब उनके पल्ली दादा को जानता नहीं है क्या? मैं जानता हूं। पल्ली दादा से बात करके देखें। क्या बात करनी है? हाँ, क्या बात करेगा? पेपर्स तो हम उनके सामने भी साइन कर सकते हैं, वहां चलकर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, वरना साइन कर देंगे। क्या? मैं बल्ली दादा से मिलना चाहता हूं। हाँ, ठीक है, चला जा। इतना मोटा बम्बू काय को रखा है? इसके पड़ते ही आदमी स्वर्ग चला जाता है। क्या कुछ भी फेंकता है, वो कलर है तेरा ये बम्बू। लंबी गारंटी नहीं लगती है, पंच में ही पावर होना चाहिए बेड़ू। एक फटका और आदमी का भेजा बाहर। डर गया ना? क्या ट्रेनिंग दिए रे डरपोक साला। क्यों बे शाने, तू काम क्या करता है? कल तक बहुत धूमधड़ाका और खून खराबा किया, वही साला गैंग वॉर्स झगड़े, बहुत मिस करता हूँ। सच कहूं भेड़ू, मैंने 24 घंटे से दारू और चखने को हाथ तक नहीं लगाया। क्या बात कर रहे हो भाई? और नहीं तो क्या, तेरे को पेमेंट कितनी मिलती है? कुछ खास नहीं, ब्लास्ट करने के लिए 5,000, हाथ पैर तोड़ने के लिए 2,000, और अगर काम नहीं कर पाए तो डायरेक्ट हरिद्वार। और एफए और डीए का क्या? एफए डीए ये क्या है? फूड अलाउंस और ड्रिंक अलाउंस रे। मतलब पीने के लिए? हाँ। बॉस नहीं मिलता क्या? चूरन दे रहा है बॉस। उसके साथ बात करनी पड़ेगी। स्कूल का मामला बाद में सुलझाएंगे, पहले उसे बड़ा पंगा सेटल करना है, वो है तुम्हारा एफए और डीए का पैसा, उसके बाद सारे झोल। ठीक है, आज तो तुम्हारी पेमेंट कैश में करवा के ही रहूंगा। अपन नामा नहीं सुनता क्या? उस बुड्ढे को बोल चुपचाप पेपर पर साइन कर दे क्या? गांव वालों ने थोड़ा थोड़ा चंदा जमा करके स्कूल बनवाया है, मेरी मानो तो स्कूल को भूल जाओ। लाओ जज साहब के बाकी के पेपर्स मुझे दे दो ताकि मैं निकलूं। अच्छा, ले मुन्ना ले। ले 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 ले। अरे लेना। हाँ डैडी। बुड्ढे ने पेपर पे साइन कर दिए? अभी तक तो नहीं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर कोई बात करने के लिए आया है। कौन है वो साला? ए, नाम बता रहे। कमल ठाकुर। कमल ठाकुर, कमल ठाकुर। क्या बोला, क्या नाम बताया? हाँ बोल रहा है कोई कमल ठाकुर। कमल ठाकुर, फोन उन्हें दे, माफी मांग उनसे। क्या हो गया आपको? मेरी बात मान। सुना नहीं तूने? पैरों में गिर जाऊं उनके। माफी मांग, पैर पकड़। पकड़ लिए ना, अब जल्दी से फोन उन्हें दे। ये लीजिए। हेलो ठाकुर साहब, मेरे बेटे से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। मैं 2 मिनट में वहां पहुंचता हूं। मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा। ठाकुर साहब माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मुझे पेपर्स चाहिए। ए, पेपर लेकर आ। लालच में आकर के मैंने वो जमीन अपने नाम कर ली थी, पता नहीं था कि वो आपकी है। ए, इन्हें जानता नहीं है? पेपर देने।
मणि साहब डरो मत, मैं इस गांव में कोई लफड़ा पंगा करने नहीं आया हूँ। यहाँ आकर मेरा कैरेक्टर थोड़ा बदल गया है। लगता है भाई ने हमारा पीने का इंतजाम कर लिया है। क्या आइडिया दिया है, अब मैं शहर के पास ही अपनी कंपनी खोलूंगा। बहुत अच्छे। पेमेंट डबल हो गया है बॉस। थैंक यू सो मच। आपने चाटा क्यों मारा डैडी? मेरे चाटे की वजह से तू अभी तक जिंदा है, वरना वो तुझे मार डालते हैं। बेटा शांति। हाँ पापा। तेरी सूझबूझ और फैसलों पर मुझे हमेशा भरोसा था। कमल ठाकुर को चुनकर तूने मेरे भरोसे को और पक्का कर दिया है। हाँ बेटा, मैं सब जानता हूँ। मुझे तो पहली नजर में ही वो बहुत अच्छा लगा। मार काट खून खराबा करके भी हम उस स्कूल को हासिल नहीं कर पाते, पर इस लड़के की समझदारी की वजह से हमें वो स्कूल मिल गई। पता नहीं तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो तुमने मुझसे उसका परिचय तक नहीं करवाया। तुम तो जानती हो बेटा, ये परिवार पहले ही एक बेटा खो चुका है, इसलिए जमाई नहीं मैं एक हीरा लाना चाहता हूँ, और तुमने एक ऐसा हीरा चुना है जिसने मुझे हिम्मत दी है बेटा। क्या भैया, रोज सुबह मंदिर जाने की क्या जरूरत है? ताकि तू वहाँ भगवान का प्रसाद ढूंस सके। अंकल हमें गेम खेले। कौन सा गेम? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक? सीक कबाब खाना है बच्ची को? कोई अच्छा ढाबा देख के रोकते हैं। हाइड एंड सीक यानी लुका छुपी भैया। सीख खेल रहे बेटा। तुम लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज सुनी नहीं है क्या? मैंने मारधाड़ छोड़ दी है, अपन सुधर गया है बंटा। मैटर उलझे नहीं, इसलिए बैठ के सुलझाते हैं। हाँ छोड़ दो, मत मारो। ओए बुझी शम्मा जलाओ मत। साले एक बार बोला तो तेरी समझ में नहीं आता, सुलझाने को कहा तो मामला उलझा रहा है। छोड़ दो मुझे। अरे भाई माफ कर दे भाई, अरे छोड़ दे, अरे ट्रेन आ रही है भाई, प्लीज। अरे भाई, अरे मेरे को छोड़ दे भाई, हम लोग यहाँ तेरे को टपकाने के लिए नहीं आए थे। अरे मेरी बात पे यकीन कर भाई, हम उस जज को ठोकने आए थे। जल्दी बोल। उस दिन ट्रेन में भी तेरे को मारने नहीं आए थे, बल्कि वो जज की बेटी को। किसने भेजा तुम लोगों को? एहसान भानु। एहसान भानु, पूरी बात बता। भानु एक बड़ा बिजनेसमैन है, काले धंधे हवाले का हर तरह का गैर कानूनी काम करता है। जो भी उसके खिलाफ चूचा करता है, फैक्ट्री से होने वाले पोल्यूशन से गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा।
मरे अजय, मुझे इससे क्या? मैं तो पेपर्स पर साइन कर दूंगा, लेकिन यहाँ का डीएसपी इलीगल काम नहीं करेगा। भानु का बाप मात्रे अधूरे काम पूरे करने में बिल्कुल देर नहीं करता। सोन, मैंने डीएसपी को ऊपर भेज दिया। उसकी औरत ने देख लिया था, मैंने उसे भी वहीं खत्म कर दिया। बाबा, हम सब संभाल लेंगे। पुलिस ऑफिसर को मारना कोई मामूली बात नहीं है। मात्रे ने कई कत्ल किए थे, लेकिन वो कभी अदालत की सीढ़ी नहीं चढ़ा था। साले मुझे कोर्ट में ले जाएगा, मात्रे कोर्ट में पैर भी नहीं रखेगा। बाबा, ये हमारा कुत्ता है, छोड़ दीजिए इसको। ए, पानी ला रहे। बाबा, पानी पी लीजिए, गुस्सा ठंडा कीजिए। मैं कोर्ट में कभी नहीं जाऊंगा। अरे मैं सब संभाल लूंगा। ए जज, सुन, एक महीना के बाद तुम रिटायर हो जाओगे। कल जब कोर्ट में ये केस आए तो सुनवाई टाल के एक महीना बाद का तारीख देना, बुझे? बाकी डील हम नया जज के साथ कर लेंगे। तुम्हारा फैसला से सिर्फ हमारा बाबा का भविष्य तय नहीं होगा, तुम्हारा परिवार का भविष्य भी तय होगा। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मात्रे राव और बाबू राव ने कई लोगों की जान लेते हुए संगीन जुर्म किया है, इसलिए आईपीसी धारा 302 के तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। मात्रे यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट में तीन लोगों को मारने के लिए भानु को फांसी की सजा सुनाई गई, और वो अपने पिता की मौत और अपनी सजा का जिम्मेदार भूपति को मान रहा था। इस जज के परिवार को मैं अपने हाथों से मारूंगा। इस वक्त कहाँ है? कोर्ट में तीन लोगों का बेरहमी से कत्ल करने वाले भानु को चार दिन बाद फांसी दी जाएगी, और इसीलिए उसे डिस्ट्रिक्ट जेल से सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जा रहा है। तू मेरे सामने बैठ के मुझों पे ताव दे रहा है, इसका मतलब साफ है कि तू नहीं मेरे आदमियों को मारा है। चल अब बता तू कौन है। वो इंसान जिसे आज मिलने पर तेरी किस्मत भी तुझे कोस रही होगी। मेरा नाम है कमल ठाकुर। अब तक क्या हुआ मुझे इसकी परवाह नहीं, अब वो परिवार मेरा है, उनको भूल जाओ। जज और उसके परिवार को मैं मारूंगा। मेरी फांसी से पहले उस जज का परिवार सूली पर चढ़ेगा, तब मेरे बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी। पैसों के लिए अपराध करना फिर भी समझ में आता है, लेकिन बाबा की आत्मा की शांति के लिए? ए बानो, मैं तेरी सोच नहीं बदल सकता, पर तुझे ठोक जरूर सकता हूँ। हर घंटे उस परिवार को मारने के लिए मैं गुंडे भेजूंगा। कहाँ कहाँ पहुंचेगा और किसको किसको बचाएगा तू? जितने गुंडे भेजने भेज दो, बचाने के लिए सामने मैं खड़ा रहूंगा। अगर तूने कमल ठाकुर से पंगा लेने की ठान ली है तो समझ ले तू मरा। ये आप क्या कह रहे हो भैया? भाभी का परिवार इतने बड़े खतरे में है। हमें उन्हें ये बता देना चाहिए भैया। क्या बताना चाहिए? जरा देखो उन्हें। अभी अभी तो अपने बेटे की मौत के गम से उभरे हैं। नहीं, उन्हें चैन से जीने देना चाहिए। जानते हो ऊपर वाले ने हमें यहां क्यों भेजा है? इस परिवार की रक्षा के लिए। इन लोगों के लिए हमने हथियार छोड़े, अब इन्हीं के लिए हथियार उठाने हैं। चार दिन बाद भानु फांसी पे चढ़ जाएगा, तब तक कौन इन पर हमला करने आएगा पता नहीं। इस परिवार के पास कोई भी अनजान इंसान आने ना पाए। इसको लपेटे में।
अंधा है क्या? सॉरी। आलिया कहाँ है? मुझे पता नहीं। आलिया कहाँ गई? आलिया कहाँ? आलिया आलिया बेटा, चलो हम आज पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। तो अभी खेलें? ओह हाँ अंकल। जरा पीछे मुड़ के देखो, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम्हें पकड़ने आए हैं। चलो जल्दी भागो वहां से। ओके। अब लुका छुपी खेलें? चलेगा। आंखें बंद करो और 10 तक की गिनती करो, तब तक सारे अंकल छिप जाएंगे। ओके। चीटिंग नहीं चलेगी, जल्दी से आंखें बंद करो। आलिया बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? अंकल, आपके सारे फ्रेंड्स कहाँ छुप गए? ये किसकी बात कर रही है बेटा? पता नहीं, इस गांव के नहीं थे, शायद रास्ता भटक गए थे, चले गए। प्रसाद चढ़ाने आए होंगे, तुमने रास्ता बता दिया ना? यात्रा पे निकल चुके हैं। आओ बेटा, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। ठिकाने लगा। नाना जी, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ये तो अभी भी हिल रहा है। भैया की धुलाई के बाद जिंदा नहीं बचना चाहिए था। आलिया, आलिया कहाँ चली गई थी बेटा? अरे थोड़ी सी खरोंच है। कितना खून बह रहा है, बहुत गहरी चोट है। नहीं कुछ नहीं, वो झाड़ियों में वहाँ पर जल्दी। मैं ये लीजिए। लाओ। दीदी। बेटा, चाकू ऐसे नहीं पकड़ते। अब ठीक है आंटी,
हाँ ये चाकू को ड्रमस्टिक की तरह बजाना यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। पक्का ना? क्या मुझे लगी तो तुम्हें भी दर्द हुआ? मुझे खून देखते ही ना चक्कर आते हैं। तेरा ये रूप देख के मुझे चक्कर आने लग गए। ड्रामे बाज। शांति बेटा। क्या हुआ मामा? मैंने आज जो देखा उससे तो मेरे हाथ पैर फूल गए। ऐसा क्या हुआ? मेले में कुछ गुंडे हमला करने आए और उसने उन्हें भाजी तरकारी की तरह काट कर सुला दिया। खून पानी की तरह बह रहा था और लाशें उंगलों की तरह गिर रही थी। वो इंसान के रूप में राक्षस है। राक्षस पर कौन? पांडव, महाभारत के पांडव। तूने कहानी नहीं सुनी क्या? महाभारत तो मैंने भी टीवी पर देखी है, लेकिन आज सुबह मैंने लाइव टेलीकास्ट देखा है। हमने बात करके उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं समझे तो धुलाई कर दी। अब तो समझ गए ना? हाँ समझ गया, समझ गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, निश्चिंत हो जाइए। ये सिंगल सर वाले 10 सर वाले रावण के बराबर हैं। अपने आदमियों की लाशें भी नहीं मिली। वो साला अचानक कहां से आया? हमें एक आदमी मिला है जो उसे अच्छे से जानता है। कौन है वो? क्या जानता है? उस साले ठाकुर से जो भी पंगा लेता है मेरी तरह नंगा हो जाता है। हाँ मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। मेरी तरह तुम्हें भी उसने बहुत तंग किया होगा और तुम मेरी तरह पागल होते होते बच गए। हाँ सीधा पॉइंट पर आ। समझ गया, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है ना। अपने परिवार की वो ताकत है, पर हमारे लिए उसका परिवार उसकी कमजोरी है। हाँ त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बेटा प्रसाद दो। प्रसाद हमेशा दाहिने हाथ में लेते हैं। Right hand. प्रसाद हमेशा दाहिने हाथ से खाना चाहिए। एक और मारो, एक और। दिल का कनेक्शन हो गया ना, आपकी बात सुनेगा। सही कहा बेटा, तभी तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। हम सभी को तुम बहुत पसंद हो। कोई अच्छा मुहूर्त देखकर हम तुम्हारी शादी तय कर देंगे। आज से बेटा तुम इस परिवार का हिस्सा हो। समय हो गया है, जल्दी से बुलाइए। हाँ। अरे सुनो। हाँ? ओम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये कमल कहाँ है? वो बस आ ही रहे हैं। बचा लो। क्या है ये सब? तुमने मुझसे वादा किया था तो फिर
क्यों किया ऐसा? मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मुझे मारने आया था ये। अपनी रक्षा के लिए मैंने हथियार उठाया, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे बारे में तो सोच। बस बहुत हुआ, बस। एक जज के तौर पर मैंने आज तक कोई गलत फैसला नहीं किया, लेकिन तुम्हें पहचानने में मैंने गलती कर दी। मैं इस गांव को लड़ाई झगड़े खून खराबे से अछूता रखना चाहता था, लेकिन तुम इन्हें मेरी दहलीज तक ले आए। इस खून खराबे की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। अब किसी और की मौत देखने की हिम्मत नहीं है मुझमें। सबकी भलाई इसी में है कि तुम चले जाओ। प्लीज फिर कभी लौट कर मत आना। जी कल सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा, कोई आखिरी ख्वाहिश है? मैं जब इस दुनिया में आया तो सबसे पहले अपने बाबा को देखा था। अब जाने से पहले भी अपने बाबा को ही देखना चाहता हूं। भाई सारा इंतजाम हो गया है, अब हम धावा बोल सकते हैं। जेलर अब मैं चलता हूं। सोच रहे होगे मुझे अब तक मर जाना चाहिए था, तो तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूं? उस दिन मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना कि कोर्ट में किया हुआ तुम्हारा फैसला तुम्हारे परिवार की जिंदगी का फैसला करेगा। ए बच्चे इधर आ। अलिया, 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 अलिया। मैंने अपने पापा की समाधि पर हाथ रखकर प्रण लिया था भूपति कि तुम्हारे परिवार को मारूंगा, पहले इस बच्ची को मारूंगा। ए चोर दरवाजा खोलो, हाथ जोड़ो बच्ची, हाथ जोड़ के आखिरी इच्छा मांग लो। शांति के कहने पर मैंने हथियार फेंक दिए, पर इसी कमीनी की वजह से उस दिन मुझे दोबारा हथियार उठाना पड़ा। इस परिवार को कुछ नहीं होगा, मैंने इससे वादा किया था। क्या रे? तुझे मौत इतनी प्यारी है? मौत को मैं प्यारा हूं, वो अपन की सुनती है। मैं जिधर बोलता हूं वो उधर ही मुड़ जाती है। बच्ची को छोड़ दे। इसको ले जा, ले जा। भैया
तू मुझसे बदला लेना चाहता है तो मार दे मुझे। इसे छोड़ दे, ये हमारे परिवार का कुछ नहीं लगता। तुम्हारा कुछ नहीं लगता है तो क्यों तुम्हारे लिए खून बहा रहा है? तुम्हारा कुछ नहीं लगता है तो ट्रेन में मेरे आदमियों को क्यों मारा जब वो तेरी बेटी को मारने आए थे? अगर तुम्हारा कुछ नहीं लगता है तो मंदिर के पीछे मेरे आदमियों को क्यों मारा जब वो इस बच्ची को मारने वाले थे? कुत्ते ने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं तेरे परिवार के एक आदमी को भी नहीं मार पाऊंगा। ठाकुर उठ सारा, तुम्हारा आंख के सामने एक एक का बलि चढ़ाएंगे। छोड़ो, छोड़ दीजिए, छोड़ो, मत छोड़ो, छोड़ दीजिए। मुझे तो लगा कि मर गया तू, लेकिन तू तो फिर से खड़ा हो गया। क्या रिश्ता है तेरा इस परिवार से? वही रिश्ता है जो एक बेटे का मां से होता है। ही रिश्ता है जो एक बेटे का अपने पिता के साथ होता है। ये मेरा कुटुंब है, परिवार है और मैं इनका रक्षक। मारो इसको। आज तक तूने किसी को नहीं चाहा ना, अगर दिल से किसी को चाहता तो तू भी इंसान बन जाता।
बेटा, हमारे लिए इतना करने के बाद भी तुमने एक शब्द तक नहीं कहा। शांति ने प्यार करना तो सिखाया, लेकिन उसका इजहार करना नहीं सिखाया। बचपन से ही मां बाप का प्यार नहीं मिला। जहां जिंदगी ले गई चल पड़े, परिवार क्या होता है पता ही नहीं था। परिवार की अहमियत क्या होती है यहां आके पता चला। आप सबसे दूर रहकर पहली बार एहसास हुआ कि मैं एक अनाथ हूं। आप लोगों के बिना हम जीने की आदत डाल लेंगे। चलता हूं। सिर्फ तुम ही नहीं बेटा, तुमसे दूर रहने पर हम भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हमने इतनी कोशिश कर ली लेकिन ठाकुर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। प्लान फेल हो गया तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता। अगर प्लान फेल हो गया तो मैं इससे भी बड़ा और खतरनाक प्लान बनाऊंगा। उसके लिए मैं पागलों की फौज बनाऊंगा। हाँ, अगर तूने ठाकुर को मार डाला तो तुझे अपने आधे खेत दे दूंगा। दोनों मिलके भुट्टे भुनेंगे और उससे जो पैसे बनेंगे उससे जंग लगा खंजर खरीदेंगे और ठाकुर के गले में डालेंगे। और अगर वो बच गया तो भुट्टे की और खेती करके पैसे कमाएंगे और उससे भी बड़ा थोड़ा और कोयला जला के उसके लिए तैयार कर लो। गले में डालेंगे। अगर उससे भी वो बच गया तो हमारे खेत बेच के शहर चले जाएंगे। सुनो,